तो चलिए दोस्तों इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं, और आप भी बनाइए और खाइए बकरे की ओझरी, बहुत फायदा करता है दोस्तों। एक बार बनाइएगा तो बार बार खाइएगा। दोस्तों आज बना रहे हैं हम लोग ओझरी। तो दोस्तों हमारा तेल गर्म हो गया है दोस्तों, अब डालेंगे दोस्तों इसमें तेजपत्ता, तो दोस्तों हमारा तेजपत्ता अच्छी तरह से पक गया दोस्तों, अब डालेंगे अपना प्याज, तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो मसाला है दोस्तों ये अच्छी तरह से दोस्तों बना के छोड़ चुके हैं कुछ देर के लिए। इसमें अदरक लहसुन जीरा पीस के, धनिया पाउडर हल्दी मिर्च सब दोस्तों मिक्स करके इसको बना के छोड़ दिए दोस्तों आधा घंटा के लिए, और उसका दोस्तों इसका टेस्ट ज़बरदस्त बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा प्याज अच्छी तरह से दोस्तों पक गया है, अब दोस्तों इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब दोस्तों नमक ऐड कर देंगे ताकि दोस्तों हमारा प्याज अच्छी तरह से दोस्तों गल जाएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ देर हम लोग वेट करते हैं, इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं। चलिए दोस्तों इसी में हम टमाटर ऐड कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसी में हम टमाटर ऐड कर दिए हैं, अब इसको अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा मसाला अच्छी तरह से बुझा गया दोस्तों, अब डालते हैं दोस्तों हमारा जो ओझरी है वो। तो ये देखिए दोस्तों हमारा अच्छी तरीके से दोस्तों इसको पहले जो तेल होता है दोस्तों क्या था दोस्तों ये तेल होता है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से दोस्तों पहले पका लेंगे तब डालेंगे दोस्तों ओझरी। और इसको अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स कर लेंगे पहले। तो चलिए दोस्तों इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं, और आप भी बनाइए और खाइए बकरे की ओझरी, बहुत फायदा करता है दोस्तों। एक बार बनाइएगा तो बार बार खाइएगा। चलिए दोस्तों इसको ढक देते हैं हम लोग। दोस्तों जो हमारा पचौनी है इसको अच्छी तरह से दोस्तों भूजेंगे ताकि दोस्तों हमारा टेस्ट है दोस्तों वो खराब ना हो, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से दोस्तों इसको भूजेंगे।